एनएमटीवी को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। निजी सोसाइटी द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करने के बाद अब सामाजिक संस्थाएं आगे आकर मुफ्त वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कर रहे हैं। नवी मुंबई जीएसबी सभा के माध्यम से अब अपने सामाजिक दायित्व की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए वाशी स्थित सुधींद्र हॉल में कोरोना नियमों का पालन करते हुए भव्य वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जहां पर 350 लोगों को सफलतापूर्व तरीके से फोर्टिज अस्पताल के माध्यम से मुफ्त में वैक्सीन दिया गया। इस शिविर की खास बात ये थी कि यहां सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा था, जिसका पूरा नियोजन जीएसबी सभा नवी मुंबई द्वारा किया गया था। इस वैक्सीनेशन कैंप को भेंट देने के लिए समाज सेवक एडवोकेट नीलेश भोज ने, एडवोकेट अंशुवर्धन एवं उदय पवार मौजूद थे, जिन्होंने जीएसबी सभा के साथ मिलकर ये कैंप सफल होने के लिए प्रयास किया। इस कैंप के दौरान अपनी भावना व्यक्त करते हुए समाज सेवक नीलेश भोजने ने कहा कि जीएसबी सभा नवी मुंबई द्वारा यह बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। जैसे आपको पता है 3 जून में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ था मराठी साहित्य मंदिर में, उस समय नाइक साहब थे, हम लोग का पूरा टीम था, तो हमने ये अपील किया था कि जितने कम्युनिटीज है, अपने सिख समाज है, जीएसबी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेज में जितने भी जो कुछ फंड्स है अवेलेबल, तो इस काम के लिए यूटिलाइज करना चाहिए। इन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है, जीएसबी वालों ने एग्जांपल सेट किया है कि जो भी कुछ समाज के लिए करना है, इन्होंने कोई ऐसा भेदभाव रखा नहीं है। मेड्स है अपनी काम वाली जो आती है अपने पास, ड्राइवर्स है, क्लीनर्स है, रिक्शा वाले हैं, कि जिनको जिनके मन में एक डर है कि वैक्सीन से क्या होगा या क्या तकलीफ हमको होगी, तो ये डर निकालने का भी इन्होंने एक प्रयत्न किया है, एक बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है ये। और बाकी सारे अपने गुरुद्वारा में हुआ है जो आप लोग जानते हैं, तो वैसे सारे लोगों ने आगे आके अगर ये करेंगे तो काफ़ी पूरी संख्या हमारी, देश की पूरी जितनी भी लोक संख्या है, गवर्नमेंट ने ये ठान के लिया नहीं, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी का एहसास जीएसबी कम्युनिटी को जो हुआ है उसके लिए बहुत खुशी है मुझे। कामत साहब है, प्रभु है, शेनॉय साहब है, हमारे ये पूरे जितने भी लोग हैं, इन्होंने पूरा ये ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लानिंग किया है। हिरानंदनी फोर्टिस साथ में है और सारे ही लोग आज आप देख रहे हैं बहुत ही सिस्टमेटिकली कंप्यूटर पे एंट्री होके यहाँ बैठ के, ऊपर भी आपने देखा होगा लाइन वगैरह लगा के वेटिंग पीरियड में रुक के वैक्सीन लेके जा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि समाज में जो भी अच्छा काम होगा उसका उन्हें हमेशा समर्थन रहेगा। जिन जिन लोगों को, हम जैसे जो भी लोग हैं समाज में जो काम करना चाहते हैं, जो जिनका उद्देश्य है समाज के लिए काम करना, ये कहीं ना कहीं जुड़ के हर एक के साथ में काम करना है। ये हर किसी ने अपना जो अपना कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं समाज के लिए करना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है यहाँ पे, करीब करीब इनका टारगेट 350 का टारगेट है, तो बारिश के वजह शायद कुछ एक 2-5-10 लोग नहीं आ रहे, लेकिन उसके बदले बाकी लोग आके लेके जा रहे हैं वैक्सीन, अच्छा प्रतिसाद मिला है यहाँ पे। जीएसबी सभा के सेक्रेटरी वसंत कुमार ने इस दौरान कहा कि पिछले साल लॉकडाउन में उनके माध्यम से गरीबों तक राशन से लेकर सभी अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति की गई है और आज उन्होंने वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन कर अपने सामाजिक उपक्रम को एक कदम आगे बढ़ाया है। ये हम राष्ट्र का उद्देश्य रख के, नेशन डेवलपमेंट का उद्देश्य रख के कर रहे हैं। हमने पिछले साल जब कोविड शुरू हो गया तब से हम लोगों ने हमारा इनिशिएटिव लिया और जब भी हम सहाय करने गए ना तो कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन किसी को नहीं देखा। सबसे पहले हम पिछले साल जैसे कोविड शुरू हो गया 800 फैमिली के लिए 1 महीने का रेशन से डिस्ट्रीब्यूट किया है
और वो वाशी, नवी मुंबई, बॉम्बे, कलवा और उधर विरार तक भी पहुंचाया। और उसके बाद हम लोगों ने ड्राइवर, अर्चक लोग है जिसको इनकम नहीं है या छोटे बिजनेस वाले, उन लोगों को फाइनेंशियल एड भी किया है, और जिनको मेडिकल सहायता चाहिए था उनको भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करके जितना हमारे से सहाय होता है वो किया। जब वैक्सीनेशन का बात आ गया, जब गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट पार्टिसिपेशन से कर सकते, तो हम लोगों ने एक हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया NMMC का सहयोग से, और हम लोगों ने 40 से पहले बात किया है, एंड ये पहला हमारा एक इनिशिएटिव है। अब हम 350 लोगों का स्लॉट बुक कर दिया है। हम लोगों ने चार्जेस नहीं लगाया, हमारा कमेटी का थोड़ा लोग है ना, वो वॉलेंटरली आके उन्होंने हमको स्पॉन्सर कर दिया है, और जिन लोग जिसको ताकत है वो लोग दे सकते डोनेशन, लेकिन हमारा तरफ से किसी को चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुकिंग करते वक्त कुछ भी चार्जेस नहीं है। GSB सभा के कमेटी मेंबर संदेश कामत ने इस दौरान कहा कि 350 लोगों को वैक्सीन दी गई है और 500 एंट्री उन्हें प्राप्त हुई है, जिन्हें सोमवार को वैक्सीन दिया जाएगा। हमने एक ऑनलाइन पोर्टल किया जिसमें हमने प्लान किया कि एवरी 30 मिनट्स में 40 लोग को कवर करना है। फोर्टिस ने हमको बोला था उनका स्पीड एवरी 30 मिनट्स में 40 पीपल का है, तो हमने एग्जैक्टली वही अकॉर्डिंग में अपॉइंटमेंट्स लिया। वो लोग अपॉइंटमेंट में ही आए, सो उसी अकॉर्डिंग स्पीड में जा रहा था, 40 पीपल फॉर एवरी 30 मिनट्स। 350 का टारगेट रखा था, 500 का रजिस्ट्रेशन हुआ हमारे पास। तो हमने क्या किया कि अभी मंडे 14 तारीख के दिन और एक 500 स्लॉट ओपन किया, बट वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गया। सोसाइटी के साथ साथ अब कम्युनिटी के माध्यम से जो वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित किया जा रहा है, उससे जल्द से जल्द नवी मुंबई के हर एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।